एवरीवन, आई एम ईशा। आई होप आप सब ठीक है, अपने अपने घर में सेफ है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का द लास्ट पार्ट, दैट इज द सेल डिवीजन। सो व्हाट इज सेल डिवीजन, उसमें क्या प्रोसेस होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन विद द एग्जांपल्स, हम वो सब देखने वाले हैं। फिर इसके बाद आपको और एक वीडियो देखने को मिलेगा, दैट विल बी ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो हम टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं उसमें। सो या, शुरू करते हैं आज का लेक्चर ऑन द वीडियो द सेल डिवीजन। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करो, कमेंट करो वीडियो पे कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट इवन मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाता है कि आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं और इन माय वीडियोस, व्हाट ऑल कंटेंट यू वांट इन माय वीडियोस। सो या, फाइनली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो, अ स्मॉल कोट, दैट योर लिमिटेशन इज ओनली योर इमेजिनेशन। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। यू कैन सी द पिक्चर, दैट इज, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। डायग्राम इजी है, इसका प्रोसेस भी और फंक्शन भी सेम है, इजी है समझने के लिए भी। सो या, सेल डिवीजन आज हम पढ़ने वाले हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल डिवीजन व्हाट इज इट, उसका डेफिनेशन क्या है, वो होता क्या है। सो सेल डिवीजन हैपेंस व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स into two or more cells called the daughter cells. जब एक parent cell या फिर mother cell divide होता है दो या फिर दो से ज्यादा cells में, तो वो दो cells होते हैं daughter cells. इसको हम कहते हैं cell division. जब एक parent cell divide होता है दो से ज्यादा cells में, उस process को हम कहते हैं cell division. और जो बाकी के सारे बहुत सारे दो से ज्यादा सेल्स बने हुए होते हैं, दोज आर नोन एज डॉटर सेल्स। नाउ इट यूजुअली अकर्स एट अ पार्ट ऑफ लार्ज सेल साइकिल। ये बहुत ही लार्ज सेल साइकिल होता है, छोटे मोटे चीजों में नहीं होता। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग इनटू टू, वेयर ईच पेरेंटल सेल गिव्स राइज टू टू डॉटर सेल। कोई भी एक मदर सेल या फिर पेरेंट सेल स्प्लिट होता है टू सेल्स में, जो गिव राइज करता है अपने टू डॉटर सेल्स को। सो द टू और मोर विच सेल्स आर विच आर कमिंग आउट, दोज आर नोन एज द डॉटर सेल्स। सो ये इसकी प्रोसेस है, जब पेरेंट सेल दो या दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड होता है, जो कि डॉटर सेल्स कहलाए जाते हैं, उन्हें हम सेल डिविजन कहते हैं। नाउ दीज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो एंड रिप्लेस ओल्ड dead and injured cells. Now, why do these parent cells divide or split up into two or more cells? It is just because they have to grow. They have to replace the old one, the dead and the injured cells, and to form gametes required for the further reproduction process. Now, by this process by which new cells are formed, this process is known as cell division. The process by which the new cells are developed or made, this process is completely known as cell division. Now, there are two types of cell division which occurs in an organism, that is the mitosis and meiosis. So, I hope यहाँ तक आप लोगों को cell division की process क्या होती है वो समझ में आया है, कि जो mother cell होती है वो split करती है two daughter cells में, two या फिर दो से ज्यादा cells में, जो रिप्लेस कर सकते हैं ओल्ड वन, डेड वन एंड द इंजर्ड वंस को। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड और मेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेल डिवीजन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, द फर्स्ट वन इज द माइटोसिस एंड द सेकंड वन इज मियोसिस। सो आ देखते हैं। सो द पिक्चर जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बस एक छोटी सी झलक है सेल डिवीजन की। So what all happens in this, there are many phases in this, intraphase, early phase, late prophase, metaphase, anaphase, telophase. So ye abhi sirf aap naam jaan lo, it's not very important to know everything in detail,
But yeah, in the next videos, we are going to see about these all. So mitosis. Now mitosis, what is it? Mitosis mein hota kya hai? Now this one, it is a vegetative division, also called as, and wherein each daughter cell duplicates, जो बिल्कुल duplicate मतलब जो अपने parent से similar है, duplicate the parent cell called mitosis, wherein each daughter cell duplicates the parent cell called mitosis. This process is known as mitosis. Now the process by cell division by which host of the cells divide for growth. कोई भी cell जब split होता है तो वो growth के लिए ही split होता है, further reproduction के लिए ही split होता है, mother cell से to daughter cell से to or more daughter cells. Now the process cells used to make exact replicas of themselves. जो माइटोसिस होते हैं वो एग्जैक्टली दे रिजेंबल और देर आर द एग्जैक्ट रेप्लिकाज ऑफ देयर ओन मदर सेल्स और द सेल्स फ्रॉम विच दे आर गेटिंग डिवाइडेड. माइटोसिस इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी सेल्स, स्पेसिफिकली इंक्लूडिंग द आईज, द स्किन, हेयर एंड द मसल सेल्स. नाउ ईच सेल कॉल्ड द मदर सेल डिवाइड to form two or more identical cells. Jo cells hote hai, the mother cell, it divides to form two or more identical daughter cells. Ek ya fir do nahi hote, bahut sare identical daughter cells hote hai. Now these daughter cells have the same number of chromosomes as the mother cell. Jo chromosomes hote hai mother cells ke andar, same count of mother cells are present, the number of chromosomes are present inside the daughter cells. Now these help in growth and repair of tissues in an organism. So I hope आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि mitosis होता क्या है, उसकी process क्या है, जो divide करते हैं, जो बिल्कुल अपनी mother cell की तरह दिखते हैं, जो exact replicas होते हैं अपनी mother cells के, जो daughter cells होते हैं वो, and mitosis जो mostly body cells में पाए जाते हैं, including the eyes, skin, hair, muscle cells. Now each cell is called the mother cell, divides to form two or more identical daughter cells. The daughter cell have the same number of chromosomes as the mother cells. This is a key point which you have to remember, and it helps in repair and growth of the tissues in an organism. So this is a diagram of an mitosis, that one cell, it is getting divided in many of the replications by the process, and two daughter cells and have been formed. Now meiosis. Meiosis divides into four haploid daughter cells. Mitosis जो होता है वो डिवाइड करता है two daughter cells में, और जो meiosis होता है वो डिवाइड करता है four haploid cells में. In this type of cell division, sperm or egg cells are produced instead of identical daughter cells as in mitosis. जो सेल डिविजन इन दिस प्रोसेस, द स्पर्म एंड द एग सेल, दे आर प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म और एग सेल्स, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेल्स टू देयर डॉटर सेल्स. नाउ द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग. नाउ दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस कॉल्ड द meiosis. There are many ways, there are many processes going on, that is called the meiosis. When a cell divides by meiosis, it produces four new cells instead of just two. They produce four new cells instead of just two. Now these new cells only have the half the number of chromosomes than that of the mother cells. जो daughter cells होते हैं, जो new cells form हुए हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर पाए जाते हैं, दे आर द हाफ ऑफ द मदर सेल्स. सो द पिक्चर विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज अबाउट मियोसिस. जो एक सेल है रेप्लिकेट हो रहा है इन द सेल डिविजन, टू सेल डिविजन्स, एंड फर्दर इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू फोर हैप्लॉइड सेल्स. फोर हैप्लॉइड सेल्स आर बीन सीन. So I hope आप लोगों को meiosis and mitosis की process
समझ में आ गए ना। देर इज इवन वन मोर प्रोसेस बीन सीन इन सेल डिविजन, दैट इज द बाइनरी फिजन। नाउ बाइनरी फिजन इन अमीबा, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, दे रेप्लीकेट देमसेल्व फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें भी सेल डिविजन ही हो रहा है ना। ए मदर सेल, द वन अमीबा, इट इज गेटिंग रेप्लीकेटेड इन टू टू डॉटर सेल्स। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ डिविजन, दैट इज अ बाइनरी फिजन, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज अमीबा। So I think it has been clear till now that what is cell division, mitosis, meiosis, and even the binary fission, what is where it has been seen. So yeah, aaj ke liye bas itna hi. So please subscribe, share, like, and comment to my channel. If you want to see anything else also, please do hit that bell icon so that mere next videos aane pe aap logon ko notification mil jaye. So please like the video and yeah, thank you for this. Next videos में हम देखने वाले हैं the important questions जो मैंने बहुत सारे resources से लिए हैं, even from the videos which I have been published till now. आप लोग देख सकते हैं previous videos. If you have any queries, please do let me know. Do follow on my Insta channel, Insta page, and yeah, thank you.